अराउंड 84, अभी वो ट्रेड कर रहे हैं 41 के लेवल पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक अभी एक जोन में ट्रेड कर रहा है, नीचे का सपोर्ट है 35 और ऊपर का रेजिस्टेंस है 48। तो 48 के लेवल पे स्टॉक चला गया था यहाँ पे, एंड देन 48 से अभी रिट्रेस हो गया है। तो ये स्टॉक जोन में ही ट्रेड कर रहा है, 35 से लेके 48 के जोन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये स्टॉक में बाइंग में, तो एक 35 का लेवल राइट लेवल हो सकता है स्टॉक का बाइंग का, क्योंकि ये स्टॉक इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ पे आ जाता है 35 या 33 ये लेवल पे, और ऊपर ये 48 के लेवल पे स्टॉक नीचे आ जाता है। एक अंडर वैल्यू स्टॉक है ये वाला, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 84, एक अच्छा बैंक है, एक बड़ा बैंक है। कुछ इश्यूज के कारण ये स्टॉक अभी लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, बट अगर आपको अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो ये स्टॉक को आप 35 के लेवल पे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रखो ऐसा मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि 35 से लेके 48 का रेजिस्टेंस है। 48 के अगर ऊपर निकलता है कुछ दिनों तक, तो वहाँ से कंसोलिडेट होता है और वॉल्यूम अगर बढ़ता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। हम अगर नीचे देखते हैं तो वॉल्यूम्स अगर बढ़ते हैं और वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे ट्रेड करता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, देन हम 50 का स्टॉप लॉस लेके हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर ऊपर का जो टारगेट है 84 का, 84 तो मिनिमम टारगेट है इसका, तो मुझे लगता है अभी आपको जो इसका शॉर्ट टर्म है रेंज 35 से लेके 50 का जो लेवल है, 35 से लेके 50 का जो लेवल है, यहाँ पे आपको उसको बाय करके यहाँ पे ये रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसी रेंज में आपको अभी इसको रखना है। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया ये स्टॉक का, अगर आप कमेंट करते हो नीचे तो मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा। आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे ये स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के। बैंक अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये PSU बैंक है और यहाँ पे उसका बुक वैल्यू 84 है, तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं तो उसका बुक वैल्यू का टारगेट रखा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि कुछ फंड्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया। बट अगर ये स्टॉक अगर ये 35 के लेवल पे आता है, तो डेफिनेटली मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा और उसको होल्ड करूंगा जब तक तो उसका 84 प्राइस आ ना जाए। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।